हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल engineer.87। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको जो स्काडा के अंदर कार है वो कैसे हम मूव कराते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस। तो चलिए गाइस, पहले न्यू विंडो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू विंडो दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करना है। मैं आज नाम देता हूँ कार्स इन स्काडा, कार इन स्काडा। ओके, तो ये मेरा न्यू विंडो आ गया। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मुझे एक कार चाहिए और पहले कार को रन कराने के लिए स्लाइडर चाहिए, तो स्लाइडर ले लेते हैं। तो आपको यहाँ विजार्ड्स में जाना होगा, वहां जाके आपको यहाँ पे स्लाइडर्स में जाना है और ये वर्टिकल स्लाइडर ले लेना है। ये सारी प्रोसेस सेम है, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये आसानी से आएगा। तो ये स्लाइडर ले लिया। अब इसकी वैल्यू शो कराने के लिए यहाँ टेक्स्ट में जाके मैं हैशटैग लेता हूँ, शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करूंगा और हैशटैग आ जाएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं हम, तो ये हमारा हैशटैग आ गया। अब इसको टैग दे देते हैं, डबल क्लिक करना है, SL टैग देते हैं हम। सो गाइस, यहाँ मैंने SL टैग दे दिया, ओके करता हूँ। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, फिर वहां पे ये वैल्यू डिस्प्ले दिखेगा आपको, वहां पे जाके एनालॉग लेना है, क्योंकि स्लाइडर की वैल्यू क्या है कि 0 से लेके 100 तक चेंज होती रहती है, तो हमें एनालॉग लेना पड़ता है और वहां एक्सप्रेशन में SL डाल के ओके कर देना है। ओके, अब रन टाइम में जाके देखते हैं कि ये स्लाइडर की वैल्यू शो करता है कि नहीं। गाइस, जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू चेंज करता हूँ, वो नीचे हैशटैग है वो मेरा वैल्यू शो करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक कार लेते हैं। तो कार लेने के लिए स्काडा में आपको सिंबल फैक्ट्री है, वहां पे जाना होगा। तो यहाँ विजार्ड्स में जाके आपको ये सिंबल फैक्ट्री दिख रही होगी, वहां पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है और यहाँ फिर से क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ढेर सारे सिंबल आपको दिखेंगे। तो पहले मैं एक ये बल्ब लेता हूँ। ओके, ये बल्ब मैं ऑन ऑफ करवाऊंगा जब मेरी कार मूव होगी तब। फिर से मैं विजार्ड्स में जाके सिंबल फैक्ट्री में जाता हूँ और एक कार ले लेता हूँ। यहाँ व्हीकल में आपको कार मिल जाएगी, ये व्हीकल में ये कार मैं लेता हूँ। तो ये कार आ गई। ये सबको ब्रेक सेल कर देना है ताकि आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी दे सके, ब्रेक सेल कर देना है सब चीज को। अब मैं सेफ्टी पर्पज में जो दो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं वो लेता हूँ। तो फिर से सिंबल फैक्ट्री में जाऊंगा। तो आप लोगों को अगर ये स्काडा में सिंबल फैक्ट्री ना आए तो मैंने उसका भी पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है कि ये जो प्रॉब्लम है, कई कबार क्या होता है कि काफी सारे लोगों को ये ऑप्शन नहीं दिखता है विजार्ड्स के अंदर, तो उसका मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो स्काडा के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मेरी चैनल पे, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करते कर सकते हैं। तो यहाँ जाऊंगा और सेफ्टी के कुछ सिंबल मैं लेना चाहता हूँ। ये सेफ्टी के दो मैं लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट लेते हैं। तो ये दो सेफ्टी के पहले मैं सेट करता हूँ, इसको पहले ब्रेक सेल कर देते हैं ताकि उसकी साइज है वो हम इंक्रीज कर सके। तो ये मैंने ब्रेक सेल कर दिए दोनों को, राइट क्लिक करके आपको ब्रेक सेल कर देना है ताकि इसको आप बड़ा कर सके। अब फिर से मैं सिंबल फैक्ट्री में जाता हूँ, विजार्ड्स में जाना होगा आपको सिंबल फैक्ट्री में। फिर ये लेता हूँ, राइट क्लिक करके ब्रेक सेल कर देता हूँ। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। मैं पहले एक पाथ बना लेता हूँ,
अब ये गाड़ी को हमें मूव कराना है, तो उसके लिए पाथ क्रिएट करते हैं। विजार्ड्स में जाके फिर से सिंबल फैक्ट्री में जाना है आपको, और यहाँ शेप्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपको बहुत सारे यहाँ पे सिंबल मिल रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो बेसिक शेप है वहां पे आपको ये ले लेना है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, पहले यहाँ से ब्राउन रख देते हैं। ब्रेक सेल कर देना है आपको कोई भी चीज को। अब देखिए, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके आपको यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट ले लेना है, ताकि ऊपर आ जाए तुम्हारी कार। तो यहाँ से मैं कार को यहाँ तक लाऊंगा। इसका डुप्लीकेट लेते हैं, पहले साइड बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से कार मेरी यहाँ तक आएगी। तो अब मुझे वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और फिर प्रॉपर्टी दूंगा। पहले वर्टिकल डिस्टेंस हम देख लेते हैं। इसका है, आपको वाई देखना है 110 और ये 400, तो आपका हो जाएगा 130, 300 हो जाएगा आपका। तो 300 तक मुझे यहाँ पे मूव कराना है, या तो फिर आप 290 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऊपर है। तो 290 तक मुझे डाउन लाना है ये कार को। डबल क्लिक करूंगा, फिर यहाँ लोकेशन में वर्टिकल हमें मूवमेंट चाहिए और 290 जितना मेरा आना चाहिए। 0 से अप में 0 होगा और डाउन में 290 जितना आना चाहिए। और ये सारी चीज मैंने अगले वीडियो में कवर की है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो ये खुद से आप कर लेंगे। तो ये 290 डाउन आना है मुझे। स्लाइडर की वैल्यू टॉप में जब मेरी कार हो तब 0 होनी चाहिए और बॉटम में 100 होनी चाहिए। तो ये मैं ओके कर देता हूँ। अब इसकी मुझे जो साइज है वो भी मुझे चेंज करानी है, तो डबल क्लिक करूँगा। और यहाँ हाइट और विथ दोनों हम चेंज करेंगे। तो यहाँ वैल्यू एट मैक्सिमम हाइट, तो स्लाइडर की वैल्यू 100 होनी चाहिए और मिनिमम हाइट हो तब 0 होनी चाहिए। और यहाँ 50% कर लेता हूँ, मिनिमम हाइट 50% होनी चाहिए और मिडल में से चेंज होनी चाहिए। और मैक्सिमम हाइट है वो मेरी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और ये सब भी मैंने कवर किया है। ये एक्सप्रेशन में स्लाइडर का टेक्स्ट डालना है, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपने आगे के वीडियो देखे हैं तो आप ये खुद से कर लेंगे। तो ये जो दिखा रहा है वो स्लाइडर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 से 100, और मैक्सिमम हाइट स्लाइडर की वैल्यू जब 100 हो तब दिखनी चाहिए, और वो मैक्सिमम हाइट कितनी दिखनी चाहिए, 100%, और मिनिमम हाइट 50% दिखनी चाहिए और तब स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी। और मिडल आपको एंकर पॉइंट देना है, ताकि मिडल में से आपकी साइज चेंज हो। अब विथ को कर देते हैं, वही सेम प्रोसेस, मैक्सिमम 100, मिनिमम 50, मैक्सिमम में स्लाइडर की वैल्यू 100 और मिनिमम में 0 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ ओके कर देते हैं। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको ब्लिंक करते हैं,
यहाँ से आपको ब्लिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिल कलर हम जब ब्लिंक हो तब ग्रीन, एंड ये हम येलो कर देते हैं, ग्रीन और येलो। और यहाँ स्लाइडर का टैग ऐसे, ओके ओके। अब रन टाइम में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं गाइस, जैसे स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज होगी तब मेरी कार है वो यहाँ आएगी, और उसकी वैल्यू है वो भी और साइज है वो थोड़ी बड़ी आपको दिखेंगी। तो आपको कार नज़दीक आ रही है वैसा दिख रहा होगा, और बल्ब भी मेरा ब्लिंक हो रहा है। तो ये देखिए, ये थोड़ा यहाँ पे सेंटर में नहीं है, तो वो कर लेते हैं फिर से डेवलपमेंट में। तो हाइट में तो हमने सेंटर दिया था, लेकिन विथ में नहीं दिया था, तो वहाँ पे हम यहाँ सेंटर सिलेक्ट कर देंगे। ओके ओके, अब देखिए आप, अब देखिए आपको सेंटर में दिखेगा। अब जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो कार मेरी नज़दीक आ रही है। सो गाइस, ये चीज़ें कैसे है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से आपको नहीं आने लगेगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो देखेंगे, और फिर ये देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले के वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर दे रहा हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।